अहम खबर आपको देंगे कि फैसलाबाद में कार पर फायरिंग से साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कत्ल मुसल्ला मुल्जिम की गाड़ी पर फायरिंग करने की फुटेज वर्ल्ड न्यूज पर आ गई है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। वकला कौंसिल चौक पर धरना, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया जा रहा है। गुलाम अब्बास से मजीद जानते हैं। जी गुलाम अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज यानी उसको धुंध जो है अंधाधुंध फायरिंग की है दो मोटरसाइकिल सवारों ने और भरे बाजार में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार को मौका पर कत्ल कर दिया, जबकि उनके साथ उनका ड्राइवर भी जहां बाहर हो गया, जबकि पीछे बैठा हुआ एक शख्स जो है वो शदीद जख्मी हुआ, जिसके बाद वकला जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त एहतजाज जारी है। वकला ने धरना दे दिया है और उनका ये कहना है कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे वो नहीं उठेंगे। ताहम आज सुबह होने वाली जो फायरिंग उसके नतीजे में शहर में भी खौफो हरास जो है वो पैदा हुआ, उसके बाद पुलिस जो है फायरिंग के वाकये के बाद। गुलाम अब्बास बहुत शुक्रिया। ये वाकया पे उसके मनाजिर भी दिखाते हैं, जब अंधाधुंध फायरिंग चलती हुई सड़क पर की गई, ये मनाजिर मुलाहिजा कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फायरिंग का वाकया पेश आया, चलती हुई सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की गई लोगों की जानिब से, और ये मनाजिर भी आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग का वाकया पेश आया। लोग जिनमें खौफ इराज फैल गया वो भागते हुए नजर आए।